Hey everyone, Child Learning Center here and welcome to the activity section of chapter number 2. आज की वीडियो में जो एक्टिविटी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इसमें हम चेक करेंगे हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन की हम हाइड्रोजन गैस को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके बिहाफ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी. एक्टिविटी का कम्प्लीट सेटअप यहाँ पे आपको दिखाया गया है. एक्टिविटी में क्या क्या यूज किया, जिंक ग्रेन्यूल्स को यूज किया है, फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स. इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 और यहाँ पे क्या इवॉल्व हुए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुए. तो एक रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं एसिड की. एसिड जब भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट. सॉल्ट और साथ में क्या इवॉल्व होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस. इसी की प्रेजेंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट किया जाता है. तो रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, यहाँ पे जिंक इसके साथ रिएक्ट हुआ, इसके साथ रिएक्ट हुआ H2SO4. जैसे ये इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, ये क्या बन गया यहाँ पर, ZnSO4 विच इज जिंक सल्फेट और साथ में क्या इवॉल्व हुई, प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस. तो चलिए जल्दी से सेटअप की तरफ चलते हैं. क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे क्या है, यहाँ पे बबल्स बनने शुरू हुए. ये बबल्स किसकी वजह से है, ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस. जैसे ये डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से आप इसको एक सोप सॉल्यूशन में पास करोगे, इस वाटर सॉल्यूशन के अंदर आप पास करोगे तो क्या देखोगे कि अब ये जो है ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, पानी में नहीं घुले. तो जैसे ही इसके अंदर एंटर हुए तो क्या बनने शुरू हो गए, बबल्स बनने शुरू हो गए. इन बबल्स के पास, इस ट्यूब के पास जब आप क्या लेकर आए, एक बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल आप लेकर आओगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे पॉप साउंड, पॉप पॉप इस तरह की साउंड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी. नाउ दिस पॉप साउंड इज ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस. तो इस तरह से आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि रिएक्शन कौन सी अक्कर हुई. रिएक्शन जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 और साथ में क्या इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस. इस हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, ड्यू टू द पॉप साउंड. अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पे देखो जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है और क्या बना दिया इसने, जिंक सल्फेट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं जो आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो. दूसरा यहाँ पे ये बर्निंग कैंडल को क्यों यूज किया, क्योंकि बर्निंग कैंडल क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो बबल यहाँ पे बन रहे हैं ये बर्न होंगे, इससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी. ओके, सॉप सॉल्यूशन में बबल बनना क्यों शुरू हुए, सॉप सॉल्यूशन में बबल क्यों बनेंगे, जैसे ही यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस इसमें एंटर करेगी तो यहाँ पे ये क्या करेगी, एस्केप होने की कोशिश करेगी क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है. तो जैसे यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करेगी ये बबल बनने शुरू हो जाएंगे एज यू सीन इन द फिगर. तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल फिर डिस्कस करेंगे एक न्यू एक्टिविटी. तब तक के लिए बाय बाय.